हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सेशन लोअर सबॉर्डिनेट 2019 के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और उसका जो हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया है मिशन 72 अर्थात 672 वैकेंसी जो है उसमें हमें 72 या 72 वैकेंसी दिशा परिवार को लेनी है। उसी के मिशन को हम लोगों ने कल अर्थात 27 जून से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले लोअर सबॉर्डिनेट की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि लोअर सब ऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम आप मेंस का 2019 का आप देने जा रहे हो उसके विषय में सबसे पहली बात तो ये आप जान लो कि टोटल वैकेंसी सभी प्रकार की मिलाकर 672 है, आप में से मालूम होगा अधिकतर लोगों को। और इसमें सबसे पहली वैकेंसी है जो अगर हम जो है वो जो क्रम हमारे आयोग की साइट पर दिया है उसके क्रम के बात करें तो असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर, सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है, या असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी, ठीक है। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 94 है, 94 वैकेंसी है इसकी, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे दिया गया है सप्लाई इंस्पेक्टर की 151 वैकेंसी है। अगर मैं इस पेज को अपने हाथ में ही ले रहा हूँ तो जल्दी होगा, 151 वैकेंसी इसकी है। इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो इसकी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, ठीक है, 11 वैकेंसी है। इसके बाद कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, इसकी 26 वैकेंसी है। फिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसकी 194 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये नंबर ऑफ वैकेंसी के मामले में भी, पोस्ट के मामले में भी। इसके बाद फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, इसकी 89 वैकेंसी है, 89 वैकेंसी। देन एजुकेटिव ऑफिसर, ये पंचायत विभाग के लिए है, ईओ, ये भी अच्छी है, 107, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 107, ठीक है। तो लोअर सबॉर्डिनेट एग्जाम 2019 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 672, इसमें आप ये देखिए कि ये जो है 4200 और 2800 पे ग्रेड की ये वैकेंसीज आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से कई वैकेंसी 4200 पे ग्रेड की है और दो तीन वैकेंसी ऐसी हैं जो 2800 पे ग्रेड की, बट 2800 पे ग्रेड वाली भी अब 4200 पे ग्रेड में आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सारी वैकेंसी 4200 पे ग्रेड की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे 4200 पे ग्रेड का मतलब होता है कि एक अच्छे स्तर के और एक जो है रिस्पेक्टेबल पोस्ट मानी जाती है। दूसरी बात ये कि सैलरी भी आपको जो है एक अच्छा अमाउंट प्रदान करती है, ठीक। तो अब यहां पर एक आपको ये आपके लिए गोल्डन नहीं, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। आपने अगर इसका प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई किया है तो ये आपके लिए
डायमंड अपॉर्चुनिटी है। कैसे है मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये वैकेंसी जो है वो यूपी पीसीएस के साथ आती थी, तो पीसीएस प्रॉपर की वैकेंसी में एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, डीएसओ, ठीक है, या सीटीओ, ठीक, नायब तहसीलदार, ऐसी वैकेंसीज को जो है वो पीसीएस के अंतर्गत देखा जाता था, और पीसीएस एलाइड या लोअर सबॉर्डिनेट जो है इनको माना जाता था, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग दो तरह से एग्जाम करा देता था, या तो एक साथ उसने सारी वैकेंसी को एक साथ निकाल देता था, तो अब उसमें क्या होता था, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू वैसे ही जैसे पीसीएस में होता था, तो पता लगा सप्लाई इंस्पेक्टर बनने के लिए भी जो है वो एजुकेटिव ऑफिसर बनने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, ठीक है। इसके बाद जो है लोक सेवा आयोग ने दो अलग अलग एग्जाम कराने शुरू किए, ठीक है। लेकिन लोक सेवा आयोग के एग्जाम में हमेशा एक चीज जरूर रहती थी कि लोक सेवा आयोग जो है वो प्री के बाद जो मेंस की प्रक्रिया करता है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है, और दूसरी बात कि वहां पर एक इंटरव्यू का स्टेप जरूर होता था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये वैकेंसी दे दी गई, यानी लोक सेवा आयोग से वापस लेकर ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी को दे दी गई। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्री और मेंस दोनों में जो है आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिस्टम रखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको उसके अकॉर्डिंग, आपने जब प्री क्वालिफाई कर लिया और सेम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस क्वेश्चन का लेवल वन की जगह अब लेवल टू हो जाएगा, उसी सिलेबस में आप ऑब्जेक्टिव अब आप अपना मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। और लाखों में आप 15,000 में आ गए हो, तो 15,000 में 672 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो है कुछ लोग जो अधिमानी अर्हता है उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होती अनिवार्य अर्हता जो कंपलसरी आपको चाहिए एलिजिबिलिटी, ठीक है, और एक होती अधिमानी, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस वाली जो एलिजिबिलिटी है वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर के लिए जो कंपलसरी एबिलिटी है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अब प्रेफरेंस अगर ऐसे लोग आ गए जिसमें कोई लॉ ग्रेजुएट है तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, बस इतना है, लेकिन उसको आप किसी और तरह से मत जोड़िए, ठीक। तो इसमें ये एक जनरल ग्रेजुएट के लिए है, सप्लाई इंस्पेक्टर भी एक जनरल, मतलब आप सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम, हाँ, यहाँ राजस्व लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है राजस्व निरीक्षक एक सभी के लिए है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर सभी के लिए है, एजुकेटिव ऑफिसर सभी के लिए है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर में एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो जनरली ये सब लोग लिए रहते हैं, तो वो सभी के लिए हो गया, ठीक है। अब एक वैकेंसी ऐसी है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, जो असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, ठीक है, सहायक जो उद्यान निरीक्षक है, तो इसमें जो है वो बीएससी होना चाहिए या तो एग्रीकल्चर से और या फिर बायो से, मतलब पीसीएम वाला नहीं चलेगा। तो सिर्फ ये 89 वैकेंसी की जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है वो या तो बीएससी एजी है या बीएससी बायो है, यानी जेडबीसी है, ठीक है, बीएससी जेडबीसी है, केवल इसके लिए। बाकी आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको कुछ भी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बीएससी बायो है या बीएससी एजी है आप में से, उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि उसको एक यहां पर अलग से बेनिफिट मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम कहें कि इन वैकेंसीज की तुलना में इसका कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि अब जब आप फाइनल कट ऑफ आएगा तो फाइनल कट ऑफ जो है वो पोस्ट वाइज हो जाता है, ठीक है, तो पोस्ट वाइज आपके प्रेफरेंस वाइज कट ऑफ हो जाता है, तो वहां पर वो नीचे जाएगा। तो बच्चों ये सबसे पहले
क्योंकि आप जो मीन्स देने जा रहे हो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि अब आपसे पूछे लोअर सबॉर्डिनेट क्या है, लोअर सबॉर्डिनेट में कौन सी वैकेंसी है, किसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था, एग्जाम प्री का बहुत पहले हुआ है, हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन ना हो, तो कम से कम एटलीस्ट वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने जो है वो दे दिया है, यानी हमारे जो मेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, कि मेंस का आपका सिलेबस क्या है, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, स्पेशली हम लोग उसी पर बात करने आए, ठीक है। अब यहां पर अगली बात मैं आपको और बताऊं कि जो हमारा ये ग्रुप मेंस दे रहा है उसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो सीजीएल मेंस के हैं और कुछ कैंडिडेट्स जो है वो सिविल के हैं और उसमें से कुछ कैंडिडेट सिविल का भी मेंस देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एक बहुत बड़ी टेंशन होगी कि जो है हम अक्टूबर में इसका मेंस सीजीएल का मेंस है, अक्टूबर में पीसीएस का प्री है, ठीक है, और अगस्त में पीसीएस का मेंस संभावित है, ठीक है। तो ऐसे में जो है अभी जो संभावित है उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे इसको और उसको साथ में कैसे मैनेज करेंगे। देखिए आप जब तक जैसे आप में से कई लोग सिलेक्शन ले चुके हैं तो वो चूज कर सकते हैं कि मुझे इस पोस्ट के इक्विवेलेंट नहीं, मुझे इससे ऊपर जाना है, कोई दूसरे स्टेट में है तो वो चूज कर सकता है मैं इसमें सिलेक्शन लेके मैं अपने स्टेट में आ सकता हूं। लेकिन जो बेरोजगार है, ज्यादातर लोग किस श्रेणी में है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसके लिए किसी भी वैकेंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले उसका लक्ष्य क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जॉब नहीं, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वो कहानी बाद में बताना कि हम ये वाला रैंक लाएं तो ये वाला लाएं, वो सब बात की कहानी है, पहले एक गवर्नमेंट जॉब, फिर बात आती है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जॉब। वो जब आप कर रहे हो, जैसे कल हमने इसका पहला टेस्ट लिया, रीजनिंग और जीएस था, तो आप कितना कर पाए, वहां पर वो लड़ाई सामने आती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि पहले आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। अब ऐसे में आपके सामने कई तरह के लक्ष्य आते हैं। अब इसमें जो है हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरओ में हाई कोर्ट में उनको टाइपिंग भी देनी है, ठीक है, कुलदीप तिवारी है, फैजान जैसे कैंडिडेट्स हैं, सैयद फैजान है, तो उनको आरओ की टाइपिंग भी देनी, दीपक है, ठीक है, तो मेंस भी देना है। अब ऐसे में आप ये चीज पकड़ लो, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये आपके लिए गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लोक सेवा आयोग ने एक एग्जाम कराया था इसी लोअर सबॉर्डिनेट का, जिसमें राजस्व निरीक्षक या कानूनगो की वैकेंसी थी, ठीक है, राजस्व निरीक्षक या कानूनगो की वैकेंसी थी। एसएससी 7-10 बैच के 7 कैंडिडेट जो कि सीजीएल मेंस ग्रुप में शामिल थे, लोक सेवा आयोग के इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए, लोक सेवा आयोग के इस परीक्षा में क्वालिफाई हुए, और आज की डेट में वो नायब तहसीलदार बनने वाले हैं। इसका मतलब कि इस पोस्ट कानूनगो से अब वो एनटी नायब तहसीलदार यानी पीसीएस की पोस्ट को प्राप्त करने वाले हैं। सोच लो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने। शालू जायसवाल हो, अनु सिंह हो, कोई भी कैंडिडेट जो भी इसमें इस ग्रुप में सेलेक्ट हुआ था, वो कैंडिडेट्स अब इस पोस्ट को प्राप्त। अभी कोई इसमें देखेगा 2800 पे ग्रेड, 2800 नहीं, वो 4200 होने वाला है, और फिर उसके बाद अगला प्रमोशन उसका क्या है, वो पीसीएस है। और ये राजस्व निरीक्षक, मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं, ये राजस्व निरीक्षक या कानूनगो जिसके अंडर में लेखपाल होते हैं, लेखपाल इसके अंडर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बनता है क्या, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो है वो तहसीलदार बन जाता है, बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, तहसीलदार बन जाता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आप जो है यहां से कहां पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको हल्के में लिया
तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं होगा पछताने के सिवाय। तो इस बात को अब सीजीएल को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सीजीएल भी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना रहा है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बना रहा है, तो उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। पीसीएस भाई सीधी सी बात है, इसका बाप है, तो उसको हल्के में लेने का सवाल ही नहीं। अब उसके साथ ही मैनेज करना है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां और यहां में कई चीजें मैच भी कर रही हैं। अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो जीएस पढ़ रहा, साइंस पढ़ रहा, इससे मैच नहीं कर रहा है क्या? सीसेट की तैयारी वहां नहीं कर रहे हो क्या? तो आप सेम ऐसे ही अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स तो पढ़ रहे हो ना, जब मैथ्स आपका अच्छा होगा ना तो रीजनिंग भी आप अच्छा कर लोगे। प्रैक्टिस में बने रहो बस, ये डिमांड होती है। और बस आप सिर्फ क्या, कोई कैंडिडेट सीजीएल का मेंस अक्टूबर में देना है तो क्या वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जीएस को छोड़ सकता है? उसके बाद वो कंपटीशन में कहीं नहीं बचेगा। तो इसलिए उसको ये ध्यान रखना है कि नहीं, जीएस भी हमें पढ़ते रहना है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट उसी अनुसार तय करना है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम मेंस की स्ट्रेटजी पर आते हैं। और जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं मेंस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, बट आज फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस विषय में, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, मेंस ही आपका जो सिलेक्शन का फैक्टर है वो मेंस से तय होगा। 400 मार्क्स का प्री में आपको जो करना था आपने कर लिया, प्री के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस जो है वो 400 मार्क्स का है, 400 मार्क्स। और 400 मार्क्स का मेंस है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैसे है, अब यहां इसके दो पेपर होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, मेंस ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर में दो सेक्शन है, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, 50 मार्क्स, ठीक। उसके बाद है जनरल नॉलेज, यानी जीके, जीएस नहीं है, जीके लिखा हुआ है तो मैं उसी को बोल रहा हूं, 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का आपका पेपर वन है, ओके, ठीक। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर में पहला है मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स। देन दूसरा है हिंदी, हिंदी में 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ओके। तो ये आपके सामने आपका मेंस का जो एग्जाम का प्लान है वो है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स का एंड सेकंड पेपर भी आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। 75 क्वेश्चन जीएस के हैं और 25 रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी के, तो 75 प्लस 25 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 75 मैथ्स एंड साइंस एंड 25 हिंदी, दोनों को मिला के आपका 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ ये भी बता दूं कि मैथ्स से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं जैसा कि पहले होता रहा है 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स। और साइंस से अगर, क्योंकि यहां डिवाइड नहीं किया गया है तो जैसा कि प्री में और पहले होता रहा है वैसा हम कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन जो है वो साइंस के होंगे, ठीक, यानी 70 मार्क्स के, ओके। तो ये अगर हम इस सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस में आप अगर देखें कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज
मेंस में क्या किसका है। तो देखिए ओवरऑल हम लोग जीएस जीके को जीएस के रूप में पढ़ते हैं और जीएस जो है वो फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स का आ रहा है, ठीक, यानी 150 मार्क्स 75 क्वेश्चन प्लस सेकेंड पेपर में साइंस के रूप में, क्योंकि साइंस पूरा जीएस वाला साइंस आ रहा है, ठीक है, तो 70 मार्क्स और 35 क्वेश्चन, ठीक, यानी जीएस का जो मार्क्स है 150 प्लस 70, ठीक है, 220 मार्क्स का जीएस हो गया, ये पहले नंबर पर हो गया, 220 नंबर का जीएस हो गया विद साइंस में फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाकर, ठीक। दूसरे नंबर पर मैथ्स 40 क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स लिख रहा हूं मैं पहले, 80 मार्क्स, क्वेश्चन कितने 40 क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी जो फर्स्ट पेपर में है, सेकंड पेपर में है 25 क्वेश्चन और कितने मार्क्स 50 मार्क्स, ठीक है। अब ये हो गया 130 मार्क्स, यानी मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कितना है 130 नंबर। अब तीसरे नंबर पर बचा क्या, हिंदी 50 नंबर और 25 क्वेश्चन, ठीक, यानी 50 मार्क्स, ठीक है। ये वो हिंदी जिसको लोग क्या कहते हैं, हिंदी आप पढ़ लिहन तो लोअर में हो गुआ, ठीक है, कैसे हो गुआ, 220 नंबर, 130 नंबर, 50 नंबर, ठीक, 220, 130, 350 मार्क्स का तो आपका यही है, देन 50 मार्क्स, ओनली 50 मार्क्स का आपका हिंदी है। हाँ, अपना उसका भी रोल है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ये भी मैं बता दूं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उससे लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सब जगह मार्क्स लाने, लेकिन ये सोचना कि हिंदी पढ़ लिया तो हो जाएगा, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। दूसरी बात कि मैक्सिमम इसमें टाइम टेकिंग किसको तैयार करना है, जीएस और मैथ्स, इसके लेवल टू पे आने में टाइम लगेगा आपको, आप जल्दी से लेवल टू नहीं कर सकते, अगर जुलाई में एग्जाम हो जाए तो आप लेवल टू नहीं कर सकते, अगस्त में एग्जाम हो जाए तो लेवल टू नहीं कर पाओगे, अगर पहले से लेवल टू में नहीं हो तो, पहले से हो तो फिर कोई बात नहीं है, एग्जाम जुलाई में हो जाए, तैयार है हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन वो कौन जो तैयार है ऐसे हवा में नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, आपका मैथ्स और फिर रीजनिंग, ठीक है, ये जो है रीजनिंग का पार्ट था, ठीक। तो अगर आपका जैसे ये जीएस जीएस दोनों हो गया, यहां पर ये मैथ्स और फिर ये क्या हो गया, इसको मैंने लिखा नहीं है, ये रीजनिंग है यानी मेंटल एबिलिटी। तो अगर आपका मैथ्स और मैथ्स अच्छा है, मतलब आपका रीजनिंग भी अच्छा होगा, मैथ्स रीजनिंग अच्छा है 130 नंबर, तो आपको ज्यादा मेहनत किधर करनी है, इधर करनी है। अगर आपका ये अच्छा है, जैसे सिविल वालों का ये अच्छा होता, तो उनको मेहनत कहाँ करनी है, यहाँ करनी है, इसको छोड़ना नहीं, इसका लेवल बनाए रखना, इसको और बढ़ाना है और इधर, और अगर आपका ये अच्छा है तो आपको इस पर मेहनत, और दोनों को थोड़ा बहुत आपको क्या करना रहना, हिंदी साथ साथ लेके चलते रहना है, ठीक है, इसको समझिएगा बच्चों। और अगर आप इसकी जो नब्ज है ना उसको पकड़ लिया आपने, अगर समझ लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अरे आप सफल होके जो लकी डायमंड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर रहे हो वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सबको चैलेंज करता हूं, फ्राइडे को रिजल्ट आया है, इवनिंग में फ्राइडे यानी 26 जून को रिजल्ट आया, आयोग ने रिजल्ट घोषित किया है, और 27 जून को हम लोगों ने ग्रुप वर्क स्टार्ट कर दिया है, 80 प्लस का ग्रुप मेंटेन होके और अपना वर्क, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना पहला टेस्ट 27 को दे दिया। चैलेंज करता हूं मैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी मेंस का इतना
बड़ा ग्रुप प्रोग्राम इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ये चैलेंज करता हूं। तो जब आप सबसे आगे स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे आगे सफल होने वालों में भी रहोगे। और इसलिए ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है कि 672 में 72 देशा परिवार को लेना है, ये सपना नहीं है, उसका काम हमें करना है और करके और उसे हमें लेना है। इसमें ना हमें संडे देखना है ना मंडे देखना है। आज मैं संडे की शाम आपके लिए जो है ये सारी बातें कर रहा हूं, तो ये कहीं अगर हम कर रहे हैं तो उसी पक्ष को लेकर कर रहे हैं। अब बच्चों हम इसके और पक्ष पर आते हैं और जो सिलेबस है उस पर कुछ डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है लोअर सबॉर्डिनेट एग्जाम 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो आयोग का सिलेबस है जो मैंने आपको सेंड किया है, मैं उसी अकॉर्डिंग आपको लेकर चल रहा हूँ। सबसे बड़ा एरिया आप देख रहे हैं साइंस, जीएस और साइंस है। मैं साइंस को जीएस के अंतर्गत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो सेकंड पेपर में साइंस और अंक गणित लिखा हुआ है उसका सिलेबस मैं पढ़ दे रहा हूं। सामान्य विज्ञान जिसमें विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी के प्रश्न, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे, जिसको ऐसे किसी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। जनरल स्टडी, वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा ये भी रहेगा, संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, पेयजल गुणवत्ता एंड सो एंड सो। ठीक, तो ये जो साइंस है ये क्या स्पेशल विज्ञान अलग से है? नहीं, जो आप जीएस में पढ़ते हो ना वही साइंस है, अलग से कुछ नहीं है। बट ये है कि अब साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस 35 हैं। ठीक, तो अब जो जीके का और प्लस साइंस अगर हम बात करें, या हम जीके को यहां पर जीएस के रूप में ले लें तो अपने आप साइंस आ जाएगा। तो इसमें आपका जो सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो सिलेबस में हिस्ट्री आपके पास सिलेबस है, आप देखिएगा, ज्योग्राफी, ये आपके जो ट्रेडिशनल पार्ट हैं वो ऑलरेडी हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट नंबर 5 हिस्ट्री, यूनिट नंबर 6 ज्योग्राफी, यूनिट नंबर 7 पॉलिटी, यूनिट नंबर 8 इकोनॉमी, एंड सेकेंड पेपर का एक बड़ा पार्ट क्या है, साइंस। ठीक, ओके, जो आप रेगुलर जीएस में पढ़ते हो। अब यहां क्या ध्यान देना है आपको, यहां यह ध्यान देना है कि हिस्ट्री में आपको जो ज्यादा क्वेश्चन मिलने हैं और सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक, पॉलिटी ओवरऑल जो है वो आपको करना है, इकोनॉमी में करंट एंड यूपी, करंट इकोनॉमी एंड यूपी स्पेशली, ठीक, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
अगर आप सब्जेक्ट का एडिशनल, और इसके अलावा एडिशनल जो है वो मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है। तो ये आपका मतलब सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है, बायोलॉजी, ठीक, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ऐसे आपको ये यहां पर आपको तैयार रखना है। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। अब ये तो हो गए ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ जीएस, जीएस के जो ट्रेडिशनल पार्ट हैं वो हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्ट इसमें अलग से आपका जीएस में आप और भी ऐड रहते हैं, मतलब जो हम रेगुलर जीएस में पढ़ते हैं उनको भी देखते हैं और जो ऐड हुए उनको भी देखते हैं। तो यहां पर एक पार्ट आपका है जो पहले आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, करंट अफेयर्स। अब यहां आपको अलग से क्या करना है, इसके परिपेक्ष में जीएस, यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे तो यूपी, सिलेबस का पहला ही यूनिट कंप्यूटर है, दूसरा क्या है, यूपी है, ठीक, देन कंप्यूटर, ठीक है, करंट अफेयर्स, यूपी, कंप्यूटर, और फिर एग्रीकल्चर। ये अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी आप सारे जीएस में पढ़ते हो, वो जीएस का पार्ट है। यूपी यहां आपको अतिरिक्त, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्जाम दोगे तो उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, ये ऑलरेडी ये नॉर्मल सी बात है। कंप्यूटर बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ, तो आपको जानना होगा, वो बहुत सामान्य सी चीज है। उसके विषय में हाँ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं वो सामान्य नहीं है, उस पर हम लोगों को तैयार होना है, ठीक है। रही बात एग्रीकल्चर, तो भाई सीधी सी बात है, ये हमारे देश का आधार है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहे वो स्कीम्स हो या कुछ भी चल रहा हो, आप जानते हैं समय सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक। अब जीएस में एक या हम कहें दो यूनिट ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत चालाकी से सीसेट के सेक्शन, जो सिविल में सीसेट है, उससे रिलेटेड दो यूनिट उन्होंने रख दिया। हालांकि उस दो यूनिट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जीएस में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में दो यूनिट उन्होंने रखा, और उस दो यूनिट में एक तो ये रखा इन्होंने जीएस के अंतर्गत ही, जनरल ह्यूमन बिहेवियर, जनरल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन या डिसिप्लिन, ठीक है, नैतिकता, नेतृत्व, लीडरशिप, इथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, नेतृत्व की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये जनरल बिहेवियर, जनरल ह्यूमन बिहेवियर, ये एक यूनिट इन्होंने रखा हुआ है, फोर्थ यूनिट है, ठीक है। और थर्ड यूनिट में इन्होंने कुछ चीजों को रखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं देख के, एक इंटर पर्सनल स्किल, ये सब सीसेट के टॉपिक हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको लिखा मिलेगा, अंतरव्यक्तिक क्षमता या इंटरपर्सनल स्किल, संप्रेषण कौशल, ठीक है, निर्णय क्षमता या डिसीजन मेकिंग, और समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो देखिए जीएस में इन दो यूनिट्स को देखकर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इसके लिए पढ़ना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं।
आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस पढ़ना, सिलेक्शन लेना है, तो ध्यान रखना ठीक है, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 10 यूनिट में ये 2 यूनिट जो दिया गया है, अगर इस 2 यूनिट के चक्कर में कोई पढ़ा तो गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल जनरल ह्यूमन बिहेवियर, नाम ही है यार, सोचो, जनरल ह्यूमन बिहेवियर। इथिकल वैल्यूज पे क्वेश्चन है, लीडरशिप पे, एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अनुशासन क्यों जरूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो इसमें इसमें जो है ये सामान्य जीएस, सामान्य ज्ञान से संबंधित, आपके सामान्य पर्सनालिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। और वो ऑप्शन देखते ही अगर बौद्धिक क्षमता सामान्य है तो आप उसका उत्तर कर दोगे, अगर आप जनरल स्टडी में अच्छे हो तो इसका उत्तर कर, अगर व्यवहारिक ज्ञान आपको है तो उत्तर कर दोगे। लोग इस महिला सशक्तिकरण, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आज की डेट में आप देख लो कि लोअर सबॉर्डिनेट का सिलेक्शन हो या कोई भी सिलेक्शन हो किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, तो आपको पता होना चाहिए। क्यों, कपड़े स्मार्ट स्मार्ट हो गए, इससे नहीं हो गए, आपने यहां से स्मार्टनेस हासिल की। तो कहीं ना कहीं से मैं हर बार कहता हूं आपको, ये बार बार कहता हूं कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो इथिकल वैल्यूज होना चाहिए, आप समर्पित भाव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं आज मुझे ये करना है तो करना है। तो ये अगर आपके अंदर होगा तो ऑलरेडी इसके आंसर आप दे दोगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं होगा ना तो इसके आंसर निकलेंगे ही नहीं, रट के कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। यह सामान्य बिहेवियर की बात है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी क्यों जियो, है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कभी भी कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कहीं से कोई क्वालिटी कहां डेवलप होगी, कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े हुए हैं। क्लास में कई बार मैं बोलता हूं नहीं यार स्विच ऑफ कर दो, तो ये सामान्य बिहेवियर है कि स्विच ऑफ कौन सा, फैन का स्विच ऑफ करना है तो कौन सा, रेगुलेटर के बगल वाला करना है कि ऐसे ऐसे करना है, स्लो करना है तो ऐसे देखना है कि वहां देखना है, तो ये जनरल बिहेवियर। इससे इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अब ये जो दूसरे यूनिट में दिया गया अंतर्वैदिक क्षमता, ठीक है, कौशल क्षमता जो कम्युनिकेशन स्किल संचार से संबंधित है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है यानी समस्या समाधान है या डिसीजन मेकिंग, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ। इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, हिंदी में बोलो तो क्या, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का लहजा ही नहीं मालूम। मुझे कई लोग मैसेज करते सर प्लीज मुझे ऐड कर दो, कर दो। अबे किसको मैसेज कर रहे हो तुम, कर लो। अच्छा, अबे कम्युनिकेशन स्किल है ये तुम्हारी, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है, कोई डेवलपमेंट, मोबाइल स्मार्ट पा गए लेकिन दिमाग से स्मार्ट नहीं हुए, ठीक है। फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर निर्णय क्षमता। तो ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ये व्यवहारिक चीजें हैं कि आप समय पर क्या निर्णय लेना है, ये आपको ध्यान रखना। आज मेंस का जो है वो मैथ्स का पेपर हुआ, कैलकुलेटिव पेपर था, कुछ लोग क्वेश्चन में फंस गए, नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं ले पाए कि यार हमें स्किप करने हैं क्वेश्चन, अगर स्किप कर गए होते तो शायद अच्छा स्कोर ले आते, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, कौन सी, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, बहुत सी समस्याएं बहुत लोगों के साथ है, सॉल्व करना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसे बहुत सारे। अब ये एक आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनो, सप्लाई इंस्पेक्टर बनो, कानूनगो बनो, तमाम चीजों में आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए रखे जाते हैं, हालांकि बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत कम है, 2, 4, 5, 6, लेकिन होने और होने चाहिए मुझे मुझे तो लगता है, बट ये है कि चलो कोई बात नहीं, कम है तो ये रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएस और साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बताया, जो आपको 220 नंबर प्राप्त करवा सकता है, 220 नंबर तो नहीं प्राप्त करा सकता है, 220 नंबर का क्षेत्र है ये, हाँ 200 नंबर, 180 नंबर, 170 नंबर आप पा सकते हो, आपकी स्किल है वो, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में जो है वो लिखा गया है कि हाई स्कूल से संबंधित
चार चीजें, तीन चीजें रहेंगी, अर्थमैटिक, अंकगणित, अलजेब्रा यानी बीजगणित, जियोमेट्री अर्थात रेखा गणित। इतना मैथ हमको भी थोड़ी बहुत आ गई आपका सिलेबस देख के, ठीक है। अर्थमैटिक ये किस स्टैंडर्ड का? टेंथ स्टैंडर्ड। तो टेंथ स्टैंडर्ड बोला जाता है और ये सभी एग्जाम में बोला जाता है, एसएससी में भी बोला जाता है, होता होता नहीं है ऐसा। ये कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड है, इसका अलग ही स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ गए आप, अर्थमैटिक अंकगणित, आप इसमें नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एससीएफ, तमाम ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिलहाल इसके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, आप अगर उनको देख रहे हैं तो फिर आपका फायदा होने वाला है। अलजेब्रा ऑलरेडी उसका वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे है पूरा पूरा, ठीक है। ज्योमेट्री कल से स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्री भी आप वन बाई वन करके कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, तो मैंने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री भी होती है। और प्रीलिम्स में देखा गया कि यही सिलेबस था और उन्होंने प्री में दो या तीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी डाल दिए। इसका मतलब एक पार्ट और आपको जोड़ना है, क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको जोड़ना है और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पर पूरा पूरा, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है। जैसे इसके कई चैप्टर्स के लेक्चर्स आ गए तो वो भी आप देख सकते हो, और जैसे इसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर अप करने की बात कर रहे हैं तो वो भी आपके टेस्ट पेपर आएंगे, सॉल्यूशंस, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये मैथ्स में आपको जो है जो 40 क्वेश्चन, सॉरी मैं अगर बोलूँ तो हाँ 40 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं सेकेंड पेपर में मैथ्स और साइंस में, 40 मैथ्स से और 35 साइंस से। तो 40 क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 80 नंबर का है, अर्थमैटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जनरल मेंटल एबिलिटी का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता, उसमें जो लिखा गया है आपको सामान्य मानसिक योग्यता में बस युक्ति संगत, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक। तो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी का जो रीजनिंग का सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है, उसको लेकर यहाँ पर चलना होगा। सामान्य मानसिक योग्यता में ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी के परिणाम परक अभिक्षमता को परखा जा सके, ये होगा। और सांख्यिकी विश्लेषण अर्थात ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ विशेष नहीं है, ज़्यादातर रीजनिंग वही है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आती है। कुछ सेक्टर विशेष हैं जो यहाँ पर डिस्कस होंगे, ठीक है, वो आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से और अन्य माध्यमों के द्वारा हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बात आती हिंदी की, तो हिंदी की यार मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि हिंदी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 350 मार्क्स ही है, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए 50 मार्क्स का है। हिंदी में आपको ये ध्यान देना है कि पहला यूनिट आप सबके लिए नहीं है, पहला यूनिट जो है सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, ठीक है, अपर जिला सूचना अधिकारी वाला, ठीक। दूसरे से लेकर 15 यूनिट तक तमाम चीज़ें हैं जिसमें जो है जनरल जो हिंदी की चीज़ें हैं वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले आए हुए क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर रटना भी है, समझना भी है, और हिंदी में जो भी आपको ज़रूरत होगी वो यहाँ पर प्रोवाइड होगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो समझने वाली चीज़ें हैं, संधि विच्छेद है, समास है, उस उपसर्ग है, प्रत्यय है, तद्भव तत्सम है, तो उनको देखा जाएगा, उसकी टेंशन अभी से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे आपके बीच में वो आएगा, ठीक है, और वो कवर अप हम लोग कराएंगे, ठीक। आपको जो याद करने वाले हैं मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको जो है आप अभी से थोड़ा थोड़ा एक ऐसे नोट्स के रूप में, डायरी के रूप में, कॉपी के रूप में पलटते रहिए, क्वेश्चंस को पलटते रहिए, जिससे वो दिमाग में चले, कभी भी मौका मिले, गाना गाते हुए ऐसे ही पलट लिया, ठीक है, सुनते हुए पलट लिया, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज मैं सेकेंड डे, कल हम लोगों ने पहला दिन टेस्ट का देखा था, आज मैंने आपसे इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, आगे ऐसे डिस्कशन और एक्सप्लेन के रूप में आगे आते रहेंगे, एक एक विषय पर हम लोग बात करेंगे।
और आपको यहां पर मैं ये भी बता दूं कि इस ग्रुप में जो हमने ये मेंस का ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में आप सभी को मैं बता दूं कि डॉक्टर अंजनी सिंह सर प्रेजेंट हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, मिस्टर स्वामीनाथ आर्या सर प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग एक्सपर्ट्स दिखे इस समय। मैं आपको बता दूं, आर्या सर पूरी तरह से साइंस और करंट अफेयर्स को सिविल में अभी उन्होंने प्रोवाइड किया है, दोनों बैचेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसके अलावा करंट अफेयर्स को उन्होंने दोनों सिविल के बैचेस में प्रोवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स आर्या सर को मैथ्स के कारण जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक काम किया है अभी सिविल में, और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कराया है, उनके टेस्ट पेपर भी कराए हैं, ठीक है। बायोलॉजी हम खुद देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वो कवर कराते हैं, साइंस टेक और अदर चीज़ें, ठीक। नीरज मिश्रा इस समय प्रेजेंट टाइम PWD में पोस्टेड है, UP SSC से सिलेक्शन हुआ था, नीरज इस ग्रुप में प्रेजेंट है, और हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है, मैथ्स रीजनिंग तो ऑलरेडी और वो टीचर है ही हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको और बता दूं, दुर्गेश द्विवेदी कल के टेस्ट के टॉपर, ठीक है, दिशा का एक ऐसा रत्न जो एक स्टूडेंट के साथ, दिशा में एक टीचर के रूप में, एक सफल टीचर के रूप में मैथ्स को बहुत ही अवधि अंदाज में प्रस्तुत करके लोगों को हंसा के मजा आ जाए, ठीक है। प्रस्तुत करने वाला हमारा दुर्गेश जो है इस ग्रुप में अवेलेबल है, क्योंकि दुर्गेश को भी मेंस देना है जो प्रेजेंट टाइम रायबरेली में पोस्टेड है, ठीक है, DSO डिपार्टमेंट में, और इस समय कंट्रोल रूम में ड्यूटी है, बहुत भयंकर ड्यूटी चल रही दुर्गेश की, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन यह है कि दुर्गेश से हम अपेक्षा करेंगे कि जहाँ भी स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो दुर्गेश भी पूरी तरह से तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये मैं आपको दुर्गेश की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको GS में हेल्प कर सकते हैं, रचना जैसे कैंडिडेट्स, ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स में, ठीक है, या फिर रीजनिंग में ऐसी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप बहुत सशक्त है, और बस ये है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बच्चों उसको पूरी करिए, और अच्छे से जम के आप तैयारी करिए, और ये तय मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया और अपने दिशा परिवार पे पूरा ट्रस्ट करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको पूरा करते रहे, तो निश्चित है कि इसमें आपको एक पोस्ट अपने लिए अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। भगवान करे हमारे जितने भी बच्चे हैं सब के सब सेलेक्ट हों, ठीक है, ये जज्बा लेकर आपको चलना है, और जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ मैनेज करना है। किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करें, ये ना सोचे सर डांटेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैसेज से कर सकते हो, मिलना चाहते हो तो आप मिलकर बात करो, लेकिन अपने आप से कोई ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है वैसा है, तथा कथित भैया दीदी लोगों से दूर रहना, ठीक है, भैया कहीं दीदी कहीं, ऐसी चीजों से दूर रहना, और एकदम आप सिलेक्शन के, ठीक है। तो क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि इस ग्रुप में हमारे कई सारे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं अपने ऑफिसेज में हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है, उनका उद्देश्य है कि हम फिर से एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।